ट्रेन में बम फोड़ देंगे तो इन्हें अल्लाह माफ करेगा और जन्नत देगा। देखिए, आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये अल्लाह का काम है, लेकिन आतंकवादियों को अल्लाह तक पहुंचा देना ये हमारी इंडियन आर्मी का काम है। नमस्कार, जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम लोग खान सर को एक्सपोज करने वाले हैं। जी हाँ, खान सर को। लेकिन आज का वीडियो बहुत अलग होने वाला है। आज की वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। आज मैं जो कुछ भी बोलूंगा अपने दिल से बोलूंगा, अपने मन से बोलूंगा। मैंने पहले भी खान सर के ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो को मैंने हमेशा के लिए हटा दिया है, परमानेंटली उस वीडियो को मैंने रिमूव कर दिया। उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। और मैं पहले भी बोल चुका हूं और अभी भी वही बात बोलूंगा कि पहले भी मैं खान सर को सपोर्ट करता था, अभी भी मैं खान सर को सपोर्ट करता हूं। वो एक टीचर है, मैं एक स्टूडेंट हूं और इसीलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। हमारे कल्चर ने हमें यही सिखाया है कि पहले गुरुओं की रिस्पेक्ट करना सीखो, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने अपने पहले वीडियो में भी यही बोला था कि वो टीचर है और इसीलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि यूपीएससी में आ सकता है वो है कि खान सर का रियल नेम क्या है, खान सर का आखिर असली नाम है क्या। क्योंकि कुछ जो लोग हैं उनके पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ गए हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। ट्विटर पर ट्रेंड करा दिया कि खान सर का रियल नेम अजीत सिंह है, वो हिंदू है और वो एक बीजेपी के एजेंट है जो मुसलमानों की बेइज्जती करते हैं। ऐसी ऐसी चीजें भी कही गई उनके बारे में। किसी ने तो ये भी बोल दिया कि वो बीजेपी के दलाल हैं, उनको बीजेपी से पैसे मिलते हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो को जज करो, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। खान सर के पॉलिटिकल ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, मेरे पॉलिटिकल ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, मेरे पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस अलग हो सकते हैं, उनके अलग हो सकते हैं। देखिए, कई ऐसे वीडियोस हैं जहां पे खान सर ने हाफ इन्फॉर्मेशन शेयर किया या फिर मिस इन्फॉर्मेशन शेयर किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको डिसरेस्पेक्ट करूं या फिर उनको टारगेट करूं, उनको डिफेम करूं। कितने मुस्लिम ग्रुप्स ने तो ये भी कह दिया कि खान सर जहां पे दिखे वहां मार दो। ऐसी ऐसी बातें भी कही गई। हमने भी क्रिटिसाइज किया खान सर को, लेकिन हम लोग इस एक्सट्रीम लेवल पे कभी नहीं पहुंचे। क्रिटिसिज्म एक अच्छी चीज है, क्रिटिसाइज करना कोई बुरी बात नहीं है। खान सर, खान सर, खान सर, ये नाम आपने लास्ट ईयर बहुत सुना होगा और यूट्यूब के टॉप क्रिएटर्स में भी इनका नाम आया था। वो बहुत फनी है, अच्छे से पढ़ाते हैं, लोगों को लोकल भाषा में सिखाते हैं ताकि लोग आसानी से समझ जाएं। चलिए, इस वीडियो में आज हम लोग पता लगाते हैं, जितने भी फैक्ट्स मैंने इकट्ठा किए हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या वह बायस्ड है, क्या वह किसी तरीके से एक गवर्नमेंट को फेवर करते हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हैं, चलिए फैक्ट्स जानते हैं। लेकिन जो चीज पिछले 4-5 दिनों में खान सर के साथ हुआ वो बहुत गलत था। मतलब लोगों ने उनको टारगेट करने के लिए प्रूव कर दिया कि वो एक हिंदू है। हमारे देश में ना एक मानसिकता बन गई है कि कोई भी अगर मुसलमान है तो उसको देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना पड़ेगा, उसको हिंदुओं को गाली देना पड़ेगा, उसको सनातनियों को गाली देना पड़ेगा, हिंदुइज्म को गाली देना पड़ेगा, भला बुरा कहना पड़ेगा। और दुनिया में कोई भी मुसलमान हो, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो नक्सल हो, चाहे वो कोई भी हो, फिर चाहे उसने न जाने कितने क्राइम किए हो, लेकिन उसको हर एक मुसलमान को सपोर्ट करना पड़ेगा। इस तरीके की मानसिकता बना दी गई है और इसी मानसिकता को खत्म करने के लिए इससे फाइट कर रहे थे खान सर। जो भी उन्होंने अपने वीडियोस में कहा वो सच्चाई ही था। उन्होंने चाहा किसी भी तरीके से कि मुस्लिम्स की जो इमेज है वो सही हो जाए, लेकिन ये जो लोग थे ना वो चाहते ही नहीं थे कि इनकी इमेज जो है वो सही हो। यहीं पे ना हमारे देश में प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ मुस्लिम जो लगातार ये एफर्ट डाल रहे हैं कि मुस्लिम्स की इमेज सुधारी जाए, लोग उनको अटैक करने लग जाते हैं। एक और यूट्यूबर है, राष्ट्रवादी शेरनी, इनका चैनल आप चेकआउट करना। इन्होंने भी मुसलमानों की इमेज सुधारने की कोशिश की, लेकिन लोग इनको ही गाली देने लगे, इनको टारगेट करने लगे, इनको पता नहीं कैसे कैसे थ्रीट देने लगे। इनको थ्रीट आया, इनके घर वालों तक को थ्रीट आया। तो कोई भी मुस्लिम जब कुछ अच्छा काम करता है, अपनी इमेज को सुधारना चाहता है, लोगों की इमेज को सुधारना चाहता है, तो उनके ऊपर अटैक्स शुरू हो जाते हैं। और यही प्रॉब्लम है। इन लोगों का कहना है कि हमारे देश में जितने भी मुसलमान हैं उनको हिंदू का साथ नहीं देना चाहिए, उनको देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए, उनको देश विरोधी नारे लगाने चाहिए, तभी वो मुसलमान कहलाएगा। और जो लोग इनके इन बातों से अग्री नहीं करते हैं उनको ये लोग टारगेट करते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनके ऊपर हैशटैग ट्रेंड करा देते हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी वही बोल रहा हूं कि खान सर एक अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में सिखाते हैं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। उनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। पॉलिटिकल इंक्लिनेशन को अगर आप अलग रख दो, साइड रख दो, तो वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं। वो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का इमेज सुधारने की कोशिश कर रहे थे कि हर एक मुसलमान सेम नहीं होता है, इनसे ना इज्जत बर्दाश्त नहीं होती है। इन्होंने खान सर को अटैक करना शुरू कर दिया। भलाई का जमाना नहीं है यही बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है।
मुझसे भी स्टार्टिंग में गलतियां हुई थी, मैंने बाद में रियलाइज किया। हो सकता है आप लोग मुझसे अग्री ना करो, लेकिन मैंने रियलाइज किया है कि मुझसे भी गलती हुई थी। खान सर हमारे देश की बात जब भी आती है वो अपने आप को सामने खड़ा करते हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं। उन लोगों के जैसे नहीं है जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश की खाते हैं और बाहर का गीत गाते हैं। और इन लोगों की इसलिए जली पड़ी है क्योंकि खान सर आतंकवादी को आतंकवादी बोलते हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जितने भी मुसलमान हैं उन सब की तुम तारीफ करो, चाहे वो फिर आतंकवादी क्यों ना हो। हर एक मुसलमान को हिंदुओं की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, उनको गालियां देनी चाहिए। इसी के खिलाफ खान सर लड़ रहे हैं, मुस्लिम के इमेज को सुधारना चाह रहे थे, लेकिन इन्हीं लोगों ने इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, इनको ही डिफेम करना शुरू कर दिया। किन्हीं लोगों ने तो फतवा तक जारी कर दिया, ऐसे लोग हैं। और इसी कारण से कभी भी मुस्लिम्स की इमेज जो है वो सुधर नहीं पाती है, कभी नहीं सुधर पाती है। क्योंकि जब भी कोई सामने आकर इमेज सुधारने की कोशिश करता है, लोगों के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है, तो ये लोग ही उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। खैर, मेरे मन में जो भी था मैंने आज आपको बता दिया। हो सकता है बहुत लोग मुझसे अग्री ना करें, लेकिन फिर भी मेरे मन में जो भी था मैंने बता दिया। और खान सर के बारे में जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मुझसे एक गलती हो गई थी, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगना चाहता हूँ और खान सर से भी क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्योंकि बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने गलती की है। खान सर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सर आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैंने आपके पॉलिटिकल ओपिनियंस के कारण आपसे डिसएग्री किया, लेकिन पहले भी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता था और अभी भी आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। सर आप भी पटना बिहार में रहते हैं, हम भी पटना बिहार में रहते हैं, अगर कभी मौका मिला तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। जय हिंद, जय श्री राम।